सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल चैनल को और बजाइए बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव बुल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। स्वागत है आप सबका ज्ञान टूल चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं UGC का जो CSIR नेट है और जून 2018 में होने वाले हैं, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी आउट हो चुका है। तो अगर आप UGC CSIR नेट के बारे में सोच रहे हैं, इसमें अपीयर होने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UGC CSIR नेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी आउट हो चुका है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसका लास्ट डेट है 26 मार्च 2018, यानी कि 26 मार्च से पहले आपको इसका इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिवली रविवार को होगा, 17 जून 2018। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन सर्टेन सब्जेक्ट एरियाज फेलिंग अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप JRF में कर सकते हैं या फिर LLS में भी कर सकते हैं, लेक्चरशिप में भी कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये 17 जून 2018 को होगा, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा, केमिकल साइंस, देन अर्थ एटमोस्फेरिक ओशन प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो ये सब जो सब्जेक्ट है जो CSIR नेट के तहत होने वाला है 17 जून 2018 को, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कुछ इस तरह है। MSc और इक्विवेलेंट डिग्री मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में, या फिर आप BSMS मतलब बैचलर साइंस मास्टर साइंस इंटीग्रेट भी हो सकते हैं, या फिर BS 4 ईयर हो सकता है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट और MBBS 50% 55% मार्क फॉर जनरल और OBC के लिए, और उसके बाद 50% SC ST के लिए, मतलब मास्टर डिग्री में इसका मार्क 50% होना चाहिए। और इसका जो एज है वो 28 ईयर्स होना चाहिए जनवरी के 1 तारीख को, अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 28 साल होना चाहिए 2018 के 1 जनवरी में, और अगर आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। और इसके अगर आप कोई OBC SC ST या PAWD कैटेगरी है और फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स आपको दिया जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कौन सी कैंडिडेट के लिए कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ फॉर जनरल और 500 रुपीज़ फॉर OBC कैंडिडेट और 250 रुपीज़ फॉर SC ST और PW कैंडिडेट्स, और ये आपको पे करना है ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है आइए देखते हैं। तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है, वो वेबसाइट है ये CSIRHRDZ.RES.IN, और इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 5 तारीख मार्च का 5 तारीख 2018 से, और लास्ट डेट है 26 तारीख 2018 मार्च। तो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट में भी जा सकते हैं CSIRHRDZ.RES.IN ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए। तो आइए अभी चलते हैं इस वेबसाइट में कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो आइए CSIR का जो वेबसाइट है उसमें चलते हैं, CS
chirhrdg.res.in। इस पे आपको सिलेबस फॉर जोन यूजीसी टेस्ट फॉर JRFL LS नेट के सिलेबस जो है आपको ऐप मिल जाएगा। अगर आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इस कॉलम पे, ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर CSIR UGC नेट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, मतलब कौन सा पेपर कैसा होगा। जो पेपर ए होगा या फिर पार्ट ए होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, तो जनरल साइंस के नाम से जाना जाएगा। और जो पार्ट बी और सी होगा वो आपका जो चूजन सब्जेक्ट है वो उसमें होगा। जैसे अगर आप केमिकल साइंस है तो केमिकल साइंस में मिलेगा, अगर आप लाइफ साइंस है तो उसको लाइफ साइंस के अंदर होगा। और ये हर पेपर में 200 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, अगर देखिए 4 पे लाइफ साइंस है, मैं लाइफ साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर आप यहाँ पर लाइफ साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है लाइफ साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरा पेपर अभी डाउनलोड हो चुका है, देखिए लाइफ साइंस का, जिसमें लिखा है ये बुकलेट 145 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 20 पार्ट ए प्लस 50 पार्ट बी प्लस 75 पार्ट सी। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का है तो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर दबाएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।